गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। और एक बार फिर से मैं कठुआ कांड को लेकर एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कठुआ कांड, इस कांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हर किसी की जुबान पर, जहां भी जाओ हर किसी से बात करो, मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मुझसे बहुत से लोग बात करते हैं, कठुआ कांड क्या है, कैसे हो गया, ये कब तक हुआ, ऐसे देश में ऐसा कब तक चलेगा, बहुत से सवाल हैं, अनगिनत सवाल हैं। मैं भी उनसे क्या बोलूं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दरकार है वो सरकार से है। मीडिया तो अपना काम कर ही रहा है, मीडिया तो सवाल पूछेगा ही, लेकिन इसमें सरकार क्या करेगी उसका सबसे बड़ा रोल है। कठुआ कांड को लेकर जिस तरह से आशिफा के साथ हुआ, वो कहीं ना कहीं बहुत निर्मम था, बहुत एक हैवानियत की हद, एक इंसानियत की हद पार कर दी गई इस कांड में। निर्भया कांड आपको याद होगा, उसमें भी एकदम इंसानियत को एकदम तार तार कर दिया गया था, और हूबहू यहाँ भी देखने को मिला। 8 साल की बच्ची को आप समझ सकते हैं, जिसको शायद ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होता है, जो अपने माँ बाप पे पूरी तरह से निर्भर होती है, पापा ये क्या होता है, मम्मी ये क्या होता है, उस बच्ची को किडनैप किया जाता है एक धार्मिक स्थल पर, उसको ड्रग्स दिए जाते हैं, उसको बकायदा बांध के रखा जाता है, उसके साथ गैंग रेप किया जाता है, और फिर केस को दबाने के लिए उसे मार दिया जाता है। वजह क्या है? गौमांस। क्या इसके लिए कुछ और कानून नहीं है? क्या इसके लिए सिर्फ बच्ची के साथ बलात्कार करना बहुत ज़रूरी था? क्योंकि आशिफा के जो घर वाले हैं वो बकरवाल समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इस कांड के बाद से उसके घर वालों ने पलायन कर लिया है, और शायद अब वापस नहीं आएंगे कठुआ, वापस वो कभी कठुआ नहीं आएंगे। उनकी जो एकमात्र जो रोजी रोटी है वो है पशुओं की बिक्री से, और ईद उल जुहा ऐसा समय होता है जब उन पशुओं की बिक्री होती है, तब वो कुछ कमा पाते हैं, वो खा पाते हैं। 2 जून की रोटी कमाना कितना मुश्किल होता है, एक आम आदमी से पूछिए, एक गरीब आदमी से पूछिए। एसी के कमरे में बैठकर, एसी की गाड़ी में बैठकर, एरोप्लेन में बैठकर बातें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन ज़रा उस गरीब से पूछिए कैसे वो तपती धूप में 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद करता है। उस मिडिल क्लास से पूछिए जो एक एक रुपया सहेज के रखता है ताकि वो अपनी बेटी की शादी कर सके, अपने बच्चों का भविष्य बना सके। हम बहुत जल्दी बोल देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम बैठे बैठे मीडिया के सवालों के जवाब बहुत आसानी से दे देते हैं कि कार्रवाई तो की जा रही है, तुरंत तो कार्रवाई नहीं हो जाएगी। मेनका गांधी से जब सवाल पूछा गया तो झल्ला गई थी वो। उनका कहने का मतलब था, आप मीडिया वाले क्या चाहते हैं कि 2 मिनट में कार्रवाई हो जाए? 2 मिनट में मुतरमा कार्रवाई चाहता कौन है? लेकिन ये 2 मिनट की कार्रवाई नहीं है, कई सालों का मसला है। क्या किया आपने? आप ठीकरा फोड़ते हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस कहती है आप राजनीति करते हैं। क्या राजनीति से ही आपका पूरा जहन चल रहा है? क्या राजनीति ही आपके लिए बची है खाली? क्या आपके लिए माँ बेटी बहन का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या आप लोग एक महिला सांसद होने के नाते, एक महिला नेता होने के नाते महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते? क्या महिलाओं की इज्जत की आपको परवाह नहीं है? शायद नहीं है। तभी तो शायद स्मृति ईरानी, जो एक वक्त जब विपक्ष में थी बीजेपी, तो हो हल्ला करती थी रोड पर खड़े होकर कि सोनिया गांधी को सुनना चाहिए किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, निर्भया कांड। उस पर दिल्ली में कांग्रेस ही सरकार थी, बहुत हो हल्ला किया बीजेपी ने। अब क्यों नहीं जवाब देती है स्मृति ईरानी? अब उनसे पूछा गया तो कहती हैं कि कानून की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बस यही रटा रटाया बयान उमा भारती भी दे रही हैं, यही स्मृति ईरानी कह रही हैं, यही मेनका गांधी कह रही हैं, अभी फिलहाल इन्हीं के बयान सामने आए हैं। सोचिए जरा, यहाँ महिला नेता इस तरह का बयान दे रही हैं, सिर्फ रटा रटाया बयान, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या होगा आप बताइए? कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हम और आप चिल्लाते रह जाएंगे और सरकारें अपना काम करके निकल जाएंगी। कठुआ कांड जो है और उन्नाव रेप कांड, लेकिन कठुआ कांड की अगर बात करूं तो जिस तरह से आशिफा के साथ ये दुष्कर्म किया गया है, वो अपने अंदर जहन में झांकने की बहुत ज़रूरत है कि आखिर क्या हम इंसान अब वाकई रह गए या मर गए हैं? शायद हम इंसान नहीं रह गए हैं। अगर हम इंसान होते तो शायद एक छोटे से मसले को लेकर, हो सकता किसी के लिए बड़ा मसला हो, लेकिन उसके लिए किसी बच्ची के साथ बलात्कार नहीं करते। इंसानियत को हम तार तार कर रहे हैं और इसको मजहबी रंग दे रहे हैं। इस कांड में मास्टरमाइंड सामने आया है जिसका नाम सांझी राम बताया जा रहा है। इसके अलावा और कौन कौन है इस केस से जुड़े अपराधी और कौन है सांझी राम, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश भर में चर्चाओं का विषय बना जम्मू का कठुआ जिला, यूँ तो प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है,
लेकिन अब ये जगह एक पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म के लिए इतिहास में जानी जाएगी। कम उम्र की मासूम के साथ जिस तरह हैवानियत को अंजाम एक धार्मिक जगह पर दिया गया, उसे देखकर तो लगता है कि अब भगवान पर से भी विश्वास उठता जा रहा है। एक पाक जगह पर इस तरह का कांड होना अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आखिर भगवान खामोश क्यों रहे। लगभग 8 दिनों से मासूम के साथ इसी जगह दुराचार किया गया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। अपनी आंखों के सामने अपनी ही बेटी की जान जाना कौन माँ बाप देख सकते हैं भला। उन माता पिता की चीख पुकार और दर्द गिड़गिड़ा रहा है, आखिर कब मिलेगा उनकी बेटी को इंसाफ। तो वहीं जिन लोगों ने इस तरह के कांड को अंजाम दिया है उन पर क्या सजा होगी, उस पर भी अभी सिर्फ और सिर्फ बातें की जा रही हैं। बात करें इस केस में आरोपियों की, तो सांझी राम नाम के शख्स को इस केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 60 साल के इस शख्स पर अपने नाबालिग भतीजे और बाकी 6 लोगों को इस मामले को अंजाम देने का उकसाने का आरोप लगा है। सांझी राम राजस्व विभाग का पूर्व अधिकारी है, जिसने मृतक पीड़िता का अपहरण कर मंदिर में उसे बंधक बनाकर रखा और फिर दुष्कर्म किया। इसके अलावा मामले को लेकर जो चार्जशीट सामने आई है उसमें एक नाम सांझी राम के रिश्तेदार का भी है। तो वहीं कुछ लोग हिंदू एकता मंच से भी जुड़े हुए हैं। जो रिश्तेदार है उसे नाबालिग बताया जा रहा है, जिसे इस केस में मेरठ के ही एक बालिग आरोपी जिसका नाम विशाल जंगोत्रा है, उसने घटना के बारे में जानकारी दी और उससे कहा कि वो भी यहाँ आकर इस काम में उसका साथ दे सकता है। बीती 12 जनवरी को विशाल जंगोत्रा कठुआ के रासना गांव पहुंचा। उसके बाद आरोपी मंदिर गया, जहां भूखे पेट बंधक लड़की को नशे की टैबलेट देने के बाद उसके साथ हैवानियत की हदों को पार किया। आरोपी विशाल के बारे में कहा जा रहा है वो मीरापुर के एक कॉलेज में एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा है। इस केस का एक और आरोपी है जिसे स्कूल ड्रॉप आउट बताया जा रहा है, जिसने घोड़ा ढूंढने में सहायता करने के बहाने मासूम को जंगल में ले गया और फिर उसे नशीली दवा खिलाई और फिर उसके साथ गंदा काम किया। तीसरा आरोपी है स्पेशल पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया। चौथे आरोपी का नाम है स्पेशल पुलिस अधिकारी सुरेंद्र कुमार। कॉल डिटेल रिकॉर्ड की बात मानी जाए तो मौके वारदात पर मौजूद था ये शख्स और चश्मदीदों ने भी उसे इसी घटना स्थल पर देखा था। पांचवें आरोपी का नाम प्रवेश कुमार बताया जा रहा है। तो जाना आपने कि कौन है सांझीराम, और साथ ही सांझीराम पर भी इस बात का आरोप है कि वो अपने नाबालिग भतीजों को उकसा रहा था ऐसा कृत्य करने के लिए। और इसमें सांझीराम की जो बेटी है उसका भी बयान सामने आया है और साफ साफ बेटी का कहना है कि अगर पिता दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें फांसी पर लटका दो। अब कार्रवाई चल रही है। महबूबा मुफ्ती ने कम से कम 4 पुलिस अफसर को बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा अपराधियों की भी धरपकड़ की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर सवाल अभी भी यही बनता है दर्शकों कि ठीक है आप अपराधियों को पकड़ लेंगे, आप उन्हें सजा भी दे देंगे, लेकिन अभी इसमें एक क्वेश्चन मार्क है, सजा क्या होनी चाहिए, सजा क्या होनी चाहिए। क्योंकि हमारी अदालतों में हम न्यायपालिका पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वाकई सजा क्या होनी चाहिए, क्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ तारीख पर तारीख लगती रहेंगी, आराम से चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि अदालत तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली काम करता है, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन सजा क्या होनी चाहिए, कोई ऐसी सजा ज़रूर होनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई सोचे तो उसको सोचने से पहले उसकी रूह कांप जाए, उसको सोचने पे मजबूर हो जाए कि अगर मैंने ऐसे कर दिया तो मेरा परिणाम क्या होगा, मेरा हश्र क्या होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि सजा क्या होनी चाहिए। कल मैंने एक प्रोग्राम किया था और आपसे बकायदा पूछा था कि सजा क्या होनी चाहिए, उसमें कई लोगों ने हमें कमेंट के जरिए बताया भी है कि आखिर कौन कौन से कानून लागू होने चाहिए, लेकिन कानून कहाँ से अप्लीकेबल होंगे हमारे देश में वो सरकार का काम है, सरकार और क्या कर सकती है। हालांकि मेनका गांधी साफ साफ कह रही हैं कि 12 साल की उम्र से कम उम्र की लड़की के साथ अगर बलात्कार होता है तो उसे फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन फांसी देने का भी तो अपना प्रोसेस होगा। प्रोसेस ये होगा कि उसने बलात्कार किया है या नहीं किया है। आपने कई केस देखे होंगे उसमें लगातार उसको वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है कि उसने बलात्कार किया है या नहीं किया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर केस अटक जाता है, फिर वहाँ पर क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष होता है वो थक हार कर बैठ जाता है और फिर वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की वंदना करता है कि काश भगवान कुछ कर दें।
क्योंकि हमारा शायद कानून शायद ऐसा बहुत कानून पे उंगली नहीं है, कानून शायद बहुत कमज़ोर है कि ऐसे वाकई बहुत से लोग ऐसा करके शांति से बैठ जाते हैं, उनका कोई कुछ भी नहीं कर पाता है और सिर्फ इसमें भुगतान करती हैं लड़कियां, महिलाएं और उनका परिवार। आखिर क्या होगा, सजा भी हो जाएगी लेकिन कब तक ऐसे कांड सामने आते रहेंगे, कब तक? वाकई सरकार को जागने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है जागने की, क्योंकि आशिफा सिर्फ उनकी बच्ची नहीं थी, आशिफा हमारे देश की बच्ची थी, वो हमारी और आपकी बेटी थी। सोचिए, चलिए वो किसी और की बेटी अभी आप सोच ले रहे हैं, लेकिन अगर ये जो राजनेता बैठ बैठ के बयान देते हैं, अगर वो सोचे कि उनकी बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो क्या करते, तो शायद उस टाइम वो ज़मीन आसमान एक कर देते आरोपी को पकड़ने के लिए। यही शायद हमारे देश में खामी है कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए एक्शन जल्दी हो जाते हैं, और गरीब लोग और हमारे जैसे लोग जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर चक्कर लगाते रह जाते हैं और कुछ नहीं होता है। वहाँ पर रेफरेंस, वहाँ पर घूस, वहाँ पर बड़े लोगों से बात करना, उनकी कवायद करना, उनके आगे जाना, उनके आगे झुकना, उनसे कहना कि मेरे केस को देख लीजिए, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो रसूखदार होते हैं वो सीधे फायर होते हैं। ये शायद अंतर है, और शायद हमारी सरकार ये कहती हैं कि हम आम जनता के लिए हैं। वाकई क्या आम जनता के लिए हैं हम? मेरा अभी भी एक सवाल है दर्शकों, आप हमें बताइए कमेंट के ज़रिए कि आखिर सजा क्या क्या होनी चाहिए, और क्या रेप अब ऐसे ही, क्या रेप रुकने, रेप के लिए और क्या क्या सरकार को करना चाहिए? क्योंकि सरकार भी शायद हमारे भरोसे बैठी है कि हम उन्हें कुछ बताएं तो शायद उन्हें कुछ समझ में आए। तो आप हमें बताइए कि आखिर रेप को रोकने के लिए क्या प्रावधान होने चाहिए, आपकी नज़र में क्या होना चाहिए। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही, कल होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।